हेलो दोस्तों, एसएस कंप्यूटर आईटीआई कैंपस में आपका स्वागत। देख रहे हैं नई कंपनी प्लेसमेंट के साथ, जैसे हम देख रहे हैं मारुति सुजुकी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों तो बहुत अच्छी कंपनी है जो कि यह फुल गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जॉब लोकेशन की बात कर देख रहे हैं, जॉब लोकेशन IMT मनेसर गुरुग्राम। दोस्तों बात करें जो कि दो जगह लोकेशन की रहने वाली है, जो कि एक की मनेसर एक जो कि गुरुग्राम रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल पास ओनली वन। दोस्तों बताइए हाई स्कूल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ना ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, ना ही आईटीआई वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे आईटीआई नहीं किए वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जो कंपनी द्वारा जो कि सर्टिफिकेट कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों तो कंपनी आपको जो कि कमाई भी प्लस पढ़ाई भी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों बता दें कि आपको 2 साल के लिए रखा जाएगा, 2 साल के बाद कंपनी आपको NCVT द्वारा सरकार द्वारा जो कि ITI के डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, जो बच्चे ITI नहीं किए हैं, जो बच्चे करना चाहते हैं कंपनी के माध्यम से जो कि ITI कर सकते हैं। दोस्तों बता दें जो कि ऑनलाइन अप्लाई आपको बता दें कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करना आपको वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल बता दिया, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको जो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों रजिस्ट्रेशन आपको डिप्लोमा लिंक प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से रजिस्ट्रेशन आप जाके बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। फैसिलिटी की बात करें दोस्तों, फैसिलिटी में जो कंपनी आपकी सारी सुविधाएं कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, जो बच्चे जाना चाहते हैं बच्चे भाग ले सकते हैं। आपको बता दें रजिस्ट्रेशन करते हैं दोस्तों 1 महीने के बाद कंपनी द्वारा SMS से आपको ईमेल कर दिया जाएगा, जो बच्चे जाना चाहते हैं बच्चे भाग ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल आपको फिलअप करवाता हूँ। सुजुकी मोटर IMT मनेसर एंड गुड़गांव जॉब कैंपस प्लेसमेंट 2022 देख रहे हैं दोस्तों, जो इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो बच्चे जाना चाहते हैं बच्चे भाग ले सकते हैं। देख रहे हैं इसका फीस रजिस्ट्रेशन होने लगा है, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देख रहे हैं कंपनी ने मारुति सुजुकी मोटर इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है जो कि यह फोर व्हीलर गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जॉब लोकेशन की बात करें देख रहे हैं IMT मनेसर गुड़गांव। दोस्तों बता दिए जो कंपनी की रहने वाली है IMT मनेसर। दोस्तों बता इसका 2 जगह लोकेशन है, एक मनेसर है गुड़गांव में, एक कंपनी का जो कि लोकेशन है 2 जगह है। जो बच्चे जाना चाहते हैं बच्चे भाग ले सकते हैं। बता दें दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन भी आपको करना होगा। आपको बता दें कंपनी कहीं ये प्लेसमेंट नहीं लगा रही है, बल्कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, घर बैठे अपने फोन से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करें देख रहे हैं, क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल पास आउट 50% इन SSC बोर्ड 10th क्लास। आपको बताया दोस्तों में ITI मेंशन नहीं किया गया, आपको ITI वाले बच्चे भाग नहीं ले सकते। ओनली वन वही बच्चे भाग ले सकते हैं जो बच्चे हाई स्कूल पास कर चुके हैं, उनको कंपनी द्वारा जो कि ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, जो बच्चे जाना चाहते हैं बच्चे भाग ले सकते हैं। जो बच्चे अभी तक ITI नहीं किए हैं, जो करना चाहते हैं इस कंपनी से माध्यम से कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें देख रहे हैं 18 से 20 वर्ष, ओनली वन 18 से 20 वर्ष वाले ही बच्चे बस भाग लिए जाएंगे। अदर एज की बात करें तो अदर एज वाले बच्चे भाग नहीं ले सकते, ओनली वन 18 से 20 वर्ष वाले ही बच्चे लिए जाएंगे। जेंडर की बात करें देख रहे हैं दोस्तों, जेंडर में ओनली मेल कैंडिडेट कैन अप्लाई दिस जॉब। आपको बता दें दोस्तों ओनली वन जो कि लड़के ही भाग ले सकते हैं, लड़कियों के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं निकाली गई है। ओनली वन लड़कों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई, ओनली वन लड़के ही लिए जाएंगे। सैलरी एंड बेनिफिट की बात करें देख रहे हैं, जो कंपनी आपको सैलरी प्रोवाइड कर रही है देख रहे हैं वेतन है जो कि 13,028 रुपये प्रति माह कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। बेनिफिट की बात करें, सुविधाएं की बात करें, जो कंपनी आपको सुविधाएं दे रही है देख रहे हैं कैंटीन सुविधाएं और छात्रों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद NCVT सर्टिफिकेट फॉर्म सरकार भारत के द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों बताते हैं कि जो कंपनी आपको ITI को जो सर्टिफिकेट देगी जो कि NCVT रहेगा आपका। दोस्तों जो बच्चे जाना चाहते हैं बच्चे कर सकते हैं, जो कि कंपनी के माध्यम से ITI आप कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की बात करें देख रहे आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए देख रहे हैं, रिज्यूम, बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ऑल क्वालिफिकेशन मार्कशीट, फोटो, चार्जशीट, ETC। आपको बताते हैं फॉर्म अप्लाई करते समय दोस्तों आपके पास रिज्यूम, बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ऑल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। दोस्तों बता दें कि जो बच्चे की ये डाटा है दोस्तों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों कोर्स ड्यूरेशन की बात करें देख रहे हैं 2 ईयर्स। आपको बता दें कि 2 ईयर्स का ITI कराया जाएगा। दोस्तों जो बच्चे करना चाहते हैं कंपनी के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि 2 साल के लिए आपको ITI कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको बता दें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करें, वहाँ से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। दोस्तों बता दें रजिस्ट्रेशन करने की जो प्रोसेस है आपको बता देता हूँ कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। देख रहे हैं दोस्तों जो कि इसका लिंक खुल चुका है देख रहे हैं मारुति सुजुकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म। आपको बता दें कि कैसे कैसे आपको फॉर्म करना अप्लाई करना होगा देख रहे हैं, इसमें जो कि कुछ कंपनी द्वारा मेंशन किया गया नोट में देख रहे हैं, CTC स्कीम कैंडिडेट कैटेरिया IISD द्वारा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड गुरुग्राम मनेसर दे रही है सुनहरा मौका 18 से 20 साल वाली उम्र के युवाओं की पढ़ाई के साथ कमाई भी। दोस्तों बता दें कि आपको पढ़ाई के साथ कमाई भी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों बहुत अच्छा मौका है। देख रहे हैं दिशा निर्देश, आपको बता दें कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्या क्या करना होगा देखने की, कृपया रजिस्ट्रेशन करने से पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको देख रहे पहला ऑप्शन जो दिया गया है कंपनी द्वारा मेंशन किया गया देख रहे, कैंडिडेट को सभी डिटेल जैसे नेम, फादर नेम, एज, हाई स्कूल प्रमाण पत्र वाली होनी चाहिए। आपको बता दें कि जो कैंडिडेट दोस्तों हैं उसका नेम, फादर नेम, एज और जो हाई स्कूल मार्कशीट आपके पास होना चाहिए देख रहे। दूसरी जो कंपनी द्वारा मेंशन किया गया हाई स्कूल की परीक्षा अंक 50% उससे ज़्यादा होना चाहिए। आपको बता दें कि हाई स्कूल 50% अधिक रहेगा वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जो बच्चे का 50% से कम वो बच्चे भाग नहीं ले सकते हैं देख रहे। तीसरी जो कंपनी, कोई भी कैंडिडेट स्नातक ग्रेजुएशन या ITI ना करे
रहा हो, अगर बाद में ऐसा पाया जाता है तो उससे कोर्स से निकाल दिया जाएगा। आपको बताया दोस्तों, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो बच्चे आईटीआई कर चुके, वो बच्चे अप्लाई किए होंगे, अगर दोस्तों बता दें कि वो जाता है कंपनी में, उनको पकड़ा जाएगा तो उनको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ओनली वन हाई स्कूल वाले बच्चे भर सकते हैं, नॉन आईटीआई वाले बच्चे भर सकते हैं। चौथी देख रहे हैं, आपकी उम्र ज्वाइनिंग के समय 18 से ज़्यादा और 20 वर्ष से कम होनी चाहिए। आपको बता दें ओनली वन 18 से 20 वर्ष वाले बच्चे लिए जाएंगे, अगर ज़्यादा है तो कंपनी से आपको मेंशन नहीं किया गया, कंपनी नहीं रखेगी। देख रहे हैं पाँचवीं, सभी कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन ध्यान से करें, फॉर्म में गलती करने पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। आपको बताया दोस्तों कि अगर आपको कोई भी इसमें गलत हो गया है तो आपको जो कि कंपनी द्वारा जो कि कैंसिल कर दिया जाएगा। छठवीं देख रहे हैं, इस कोर्स में एडमिशन निःशुल्क, एडमिशन के लिए पैसे मांगने वाले सावधान रहे। आपको बताया दोस्तों में बिल्कुल निःशुल्क से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे अपने फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। देख रहे हैं आप इस फॉर्म को लिंक शेयर करके अपने दोस्तों या जानकारों भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, वो सभी एलिजिबल होनी चाहिए। आपको बता दें कि दोस्तों जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन पहले से कर चुके हैं बच्चे रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं कर सकते हैं, ओनली वन जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं किए वही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कैसे कैसे आपको डिटेल फिलअप करना होना, देख रहे हैं पहले कैंडिडेट नेम होना चाहिए, जो कैंडिडेट का नाम हो, जो हाई स्कूल मार्कशीट नाम वही नाम डालना चाहिए, जो आधार कार्ड में नाम वही बिल्कुल सेम टू सेम नंबर नाम होना चाहिए, कांटेक्ट नंबर आपको होना चाहिए दोस्तों, देख रहे हैं फिर व्हाट्सअप नंबर होना चाहिए। आपको बता दें कि दो नंबर जो कि इसमें मेंशन किया गया है, एक व्हाट्सअप नंबर होना चाहिए, जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, अपना डेट ऑफ बर्थ में डालेंगे दोस्तों, फिर इसके बाद एज अपना डालेंगे जितना आपका एज रहेगा, स्टेट चुनेंगे स्टेट आप कौन सा स्टेट के हैं, फादर नेम चुनेंगे आपको फादर नाम क्या है, फादर नेम अपना इसे अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आप बता दें कि अपना जिला नाम डालना होगा, फिर इसके बाद देख रहे हैं हाई स्कूल परसेंटेज, कितना परसेंटेज हाई स्कूल में है वो भी आपको यहाँ मेंशन करना होगा। देख रहे हैं दोस्तों इसमें देखिए कंपनी जो मेंशन किया गया, हैव यू अप्लाइड फॉर दिस जॉब बिफोर, कि आपने पहले इस जॉब के लिए अप्लाई किया है, अगर अप्लाई किए हैं तो दोस्तों यस करेंगे, अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पर आप नो कर सकते हैं। नो करने के बाद देख रहे हैं आप सबमिट का बटन दिया, आप यहाँ सबमिट करके आगे अपना जो कि स्टेप बाई स्टेप खुलता रहेगा, जो दोस्तों आपको डिटेल पूछा जाएगा डिटेल उसमें भरते रहेंगे। चलते वीडियो के माध्यम से कैसे बताते हैं कैसे कैसे फिलअप करना होगा दोस्तों का, जैसे ही सबमिट वाले बटन पर करेंगे देख रहे हैं पूरा डिटेल भरने के बाद देख रहे हैं आपकी इंटरफेस ऐसे खुल के आएगा, जो कि मारुति सुजुकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म दोस्तों बता दें कि उसके नीचे देख रहे हैं आप लिखा जो गया है नोट में, आपकी प्रतिक्रिया दर्ज कर ली गई। आपको बता दें इसके जैसे ही सबमिट करेंगे इसके बाद आपका जो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आप कंपनी वाले फेस के बाद SMS या आपको दोस्तों ईमेल आएगा, जो बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे वो बच्चे कंपनी में भाग ले सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप कंपनी में अप्लाई कर जा सकते हैं दोस्तों, वही बच्चे इंटरव्यू अपना दे सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहें। चलते हैं दोस्तों नई कैंपस के साथ, फिर से मिलते हैं।